जय श्री राम। बच्चों, आज आपको मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसकी थ्योरी कंप्लीट डिटेल्स। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आप देखें इस स्क्रीन पे, ये आपका एक पहलवान है जिसने दो स्ट्रिंग रस्सियों की हेल्प से एक बुक को सस्पेंड कर रखा है। ये देखिए, अब ये जब हाथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये रिजल्टेंट भी इसका चेंज होगा। मींस रिजल्टेंट क्या, अभी ये बुक जो है दो रस्सियों के हेल्प से सस्पेंड है। एक रस्सी ये जिसको मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन, एक रस्सी ये, दूसरी रस्सी ये और तीसरी ये वाली जिससे ये कनेक्ट है बुक। तो दोनों तरफ से ये बुक इस हाथ से भी लिफ्ट हो रही है और इस हाथ से भी लिफ्ट की जा रही है, दोनों तरफ से फोर्स लगाई जा रही है। तो ओवरऑल फोर्स कितनी लगेगी और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो वो आपको मैं शो करके दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे और डिटेल इसकी कंप्लीट बताऊंगा। तो पहले मैं इस हाइलाइटर की जो लाइन थी उसको हटा दी। अब देखिए मैं फोर्स शो करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखें फोर्स के वेक्टर के डायरेक्शन जो रेड कलर में शो हो रहे हैं, बुक वेट है जो नीचे की तरफ लगती है, इसलिए वॉयलेट एरो आप देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वॉयलेट एरो दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये अपवर्ड लिफ्ट हो रही है, ये भी अपवर्ड लिफ्ट हो रही है ये डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस के डायरेक्शन थे। अब ये जो दो फोर्सेस हैं इनके डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट चेंज होगा। तो पहले मैं आपको रिजल्टेंट दिखाऊंगा। रिजल्टेंट के लिए मैंने ये रिजल्टेंट सम ऑफ वेक्टर पर क्लिक किया, ये आप देखिए रिजल्टेंट निकल के आ गया यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं फोर्स के डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मीन्स हाथ का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ जो हाथ से ही फोर्स लगा रहा है, तो आप देखिए रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है कम अधिक। ये जो ब्लू कलर की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये रिजल्टेंट शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दूसरे एनिमेशन से दिखाऊंगा, ये आपको मैं दूसरे एनिमेशन से दिखाना चाहूंगा। ये आप देखें स्क्रीन पे, ये दो आदमी है और किसी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन। ये देखिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाता जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे रिजल्ट इसका, मैं दोनों के फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, एक इस तरफ खींच रहा है पकड़ के, वाह क्या बात है, एक इस तरफ खींच रहा है पकड़ के। तो दोनों के फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है, इसको यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं, लेट्स सी दिस वन इज द बॉक्स। यहाँ पे मैं हाइलाइटर से आपको दिखाऊंगा, दिखा के रहूंगा, ये है बॉक्स लेट्स सी। इस पे दो बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका ओवरऑल रिजल्टेंट ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ये रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा ओवरऑल। अब आपको मैं पैरेललोग्राम लॉ इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा पैरेललोग्राम हेल्प से लॉ से, ये देखिए ये इसका रिजल्टेंट हुआ। तो अब देखिए जैसे जैसे फोर्स के डायरेक्शन चेंज होते जाएंगे, ये फोर्स के डायरेक्शन चेंज होते जा रहे हैं, आप देखें क्या हो रहा है, रिजल्टेंट भी चेंज होता चला जा रहा है। मैक्सिमम कब होगी फोर्स, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ये देखिए रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा अगर दोनों को एक डायरेक्शन में कर दें। मिनिमम कब होगी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल और अपोजिट, तो देखिए इक्वल और अपोजिट कर देंगे। अब देखें इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या हो गए, दोनों की क्या हो गई, जीरो। तो मैक्सिमम के लिए फोर्स मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट पर कब लग सकती है, जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और मिनिमम कब होंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हूँ, इक्वल मैग्नीट्यूड की एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आप देखें मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूँ दोनों फोर्स का, लेफ्ट और राइट का, तो आप देखें फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। मींस अगर 10 न्यूटन से लेफ्ट साइड में कोई खींच रहा है तो 10 न्यूटन में राइट साइड से भी खींच रहा है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड की 10 न्यूटन, ये सॉरी राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। मींस ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पे बैठा रहेगा, ऑब्जेक्ट ना लेफ्ट साइड जाएगा ना राइट साइड जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट आराम से बैठा रहेगा जहां पे है वहीं पे। अब मैं इसको थोड़ी सी और डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक क्लियर हो जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा कॉन्सेप्ट, लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको एक कोई बच्चा है वो एक बुक या एक बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है। अब ये किस किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड पे, कितनी फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, डायरेक्शन पे और पॉइंट ऑफ एक्शन पे, मींस किस जगह ये फोर्स लगा रहा है। ओके, थ्री एलिमेंट्स ऑफ फोर्स कौन कौन से, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एक्शन। अगर ये फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लगा रहा है तो ये क्या होगा, ये जो बॉडी है या बॉक्स है वो स्ट्रेट सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर ये बॉक्स पर
कॉर्नर पे फोर्स लगाएगा तो ये रोटेशनल मोशन भी क्रिएट कर सकता है। अब देखिए नेट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी बॉडी पे जैसा आपको मैंने दिखाया दो बच्चे एक बॉक्स को पकड़ के खींच रहे थे अलग डायरेक्शन में, तो उस पर ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है, जैसे दो पांच सब्जेक्ट के एग्जाम है तो रिजल्ट तो फाइव सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके आएगा, इस तरह अगर फाइव फोर्स लग रही है तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स लेफ्ट साइड राइट साइड टोटल फोर्स हम जितनी भी लग रही है उससे हम कंक्लूड करेंगे और वो आपकी नेट फोर्स आएगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। द सिंगल फोर्स दैट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स, मीन्स जितनी भी फोर्स है उनको हम किसमें सिंगल फोर्स में चेंज कर देंगे दैट इज नेट फोर्स। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट इज कॉल्ड फोर्स सिंथेसिस, जिसको हम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन बहुत सारे लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ भी हैं, उससे हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देखें टग ऑफ वार में ये रिजल्टेंट ब्लू लाइन से दिखा रखा है, देखिए आप इस डायरेक्शन टोटल सारे में इसके फोर्स लगा रहे हैं 1 2 3 4 इन द सेम डायरेक्शन, ये देखिए ग्रीन लाइन इसमें सारे मिलकर रिजल्टेंट लगा रहे हैं। तो ये क्या है टग ऑफ वार में, जिसको कहते हैं कि एक तरफ सारी फोर्स लगा देना वो ब्लू लाइन से दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ ग्रीन लाइन से दिखाई जा रही है, टोटल फोर्स हर एक आदमी जो फोर्स लगा रहा है उन सबका ऐड कर दिया गया दैट इज रिजल्टेंट। नाउ सी गेटिंग रिजल्टेंट बाय डायगोनल मेथड, यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था F1 और F2 दो बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे थे और इससे हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये जो रेड एरो की जो लेंथ है वो क्या देती है मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या देता है डायरेक्शन, जो आपका किस डायरेक्शन में एक्ट होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बिटवीन द टू फोर्स इज स्मॉलर एज द एंगल इंक्रीज, जो कि मैंने आपको शो करके दिखाया था। When the angle between two forces is zero, it is the case that the two force act in the same direction, so the magnitude of net force is maximum. अगर दोनों force एक direction में ही है तो magnitude net force का क्या होगा maximum होगा add होगा, जो मैंने आपको screen पे भी show करके दिखाया था। अगर opposite direction में दोनों act करेंगे और equal magnitude होंगी तो force क्या हो जाएगी zero minimum। यहाँ आप screen पे देखें F1 force एक ग्रीन वेक्टर दिखाया गया है दूसरा रेड वेक्टर, अभी क्या है ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो आपका जो रिजल्टेंट है वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। दूसरा F1 और F2 आपकी देखिए एंगल अब इसमें कुछ बनना शुरू हो गया F1 और F2 के बीच, तो रिजल्टेंट इज रेड एरो दिस वन। नाउ अगेन एंगल और इंक्रीज हो गया F1 और F2 के बीच में, नाउ रिजल्टेंट इज दिस वन। आप क्या देख रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है, अगर F1 F2 इक्वल है और एंगल बढ़ता जा रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। अब F1 और F2 दोनों क्या हो गए अपोजिट दैट इज 180 डिग्री, अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो। तो आप देखें यहाँ पे कोई भी रेड एरो नहीं है। तो ये जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। जनरली टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स क्या दो फोर्स हो सकती हैं, दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो सकते हैं और भी कोई वेक्टर हो सकता है। और इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जनरल फॉर्मूला, स्क्रीन पे आप देखें रिजल्टेंट फोर्स का हो सकता है वेलोसिटी का हो सकता है ए, F1 आपको मान लो ए वेक्टर है, F2 आपका बी वेक्टर है और ये दोनों जो कॉस थीटा देख रहे हैं दोनों F1 और F2 के बीच में बनने वाला एंगल है दैट इज थीटा, और इसको कॉस थीटा के साथ रखना है। तो ये आपका रिजल्टेंट बता देगा फाइनली ओवरऑल कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर बॉक्स पर और किस डायरेक्शन जाएगा, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। डायरेक्शन के लिए tan थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, यहां a वेक्टर की वैल्यू रखते हैं, b के रखते हैं और थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बता देगा किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया होगा, प्रीवियस वीडियो में भी आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रखा है, ये आप देखें यहां पर आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक्स में मिल जाएगा। ये वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शंस, वैल्यू चेंज कर करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वैल्यू रिजल्टेंट के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, थैंक यू वेरी मच, अधिक से अधिक शेयर करें, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।